बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्टेट्स मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात के लिए जो सिलसिला शुरू किया है, लेक्चर और इस्लामियात सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और आज का पार्ट जो है ये पार्ट नंबर 22 या 22 नंबर पार्ट है। जितने पार्ट्स पहले हो चुके हैं उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इसके अलावा इस्लामियात के बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे पेपर्स मेरे चैनल पर पड़े हैं, और एक सीरीज है 6500 एमसीक्यूज का, वो स्पेशली इस्लामियात के एमसीक्यूज है, और उसमें तमाम टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप उनको लाजमी विजिट करें अगर आपने तैयारी करनी है। यहां पर हमने टॉपिक शुरू किया था तकाबुली आदियान, जिसमें एक पार्ट हो चुका है, और आज उसी में पार्ट सेकंड को अपलोड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है कि किस मुफक्किर ने अंदरूनी व बिरूनी पितृ कवानीन इलाही की इताअत को मजहब करार दिया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, फारकर। 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, किस मुफक्किर ने उन अखलाकी जाबतों को मजहब करार दिया है जिसमें जज्बात समो जाए। यहां पर मैथ्यू आर्नल्ड ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और 33 नंबर क्वेश्चन है, किस मुफक्किर ने मजहब को एक ऐसी गैबी हकीकत का मकाशिफा करार दिया है जो इंसान के लिए एक बिल्कुल गैर की शक्ल में सामने आती है। डोल्फ ओल्टो ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 34 जो है, किस मुफक्किर के ख्याल में हर इनफिरादी चीज को एक कुल का जुजु समझना और हर महदूद चीज को लामहदूद का नुमाइंदा समझना मजहब है। तो करेक्ट ऑप्शन प्रेडर्च ऑप्शन बी है। 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रूहानी मौजूदात पर अकीदा को किसने मजहब करार दिया है, रूहानी मौजूदात पर अकीदा को किसने मजहब करार दिया है। तो ऑप्शन सी देखिए, ए बी टेलर, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 36 नंबर क्वेश्चन, किसके नजदीक हर परीजा को खुदाई हुक्म समझना मजहब है, ऑप्शन डी को देखे कांट। और 137 नंबर क्वेश्चन, मजहब के मुतालिक किस मुफक्किर ने कहा है कि ये तमाम रिवायतों में इन्हीं इंतहाई बुनियादी सूरत में आला कदरों की बका पर यकीन का नाम है। तो ऑप्शन ए होपटिंग। और 38 नंबर क्वेश्चन, किस मुफक्किर ने मजहब को मौत के तसव्वुर से वाबस्ता किया है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 39 थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो जरा गौर से देखे। मजहब इंसान के उस रुझानी फिक्र का नाम है कि जिसे वो शऊरी और एतिकादी तौर पर अपनाता है, ख्वा उसकी बुनियाद किसी इल्हाम या वही वगैरह पर हो, और ख्वा वो किसी फर्द या अपराध की दीनी इख्तिरा हो। मजहब की ये तारीफ किसने की है, मजहब की ये तारीफ ऑप्शन डी को देखे, लका अल मोहसिन जाहिद, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, दीन व मजहब में क्या फर्क है, दीन व मजहब में क्या फर्क है। दीन का लफ्ज मजहब की निस्बत ज्यादा वसी मानों में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 41 नंबर क्वेश्चन को देखें, 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन को देखें, दुनिया में हर कौम, हर नस्ल, हर तबका कोई न कोई मजहब रखता है, आलिम व जाहिल, रजील व शरीफ, शाह व गदा, अफ्रीका का वहशी और यूरोप का तालियां अब्ता, सब इसमें बराबर हैं।
अल्लामा शिबली नुमानी की राय किस हद तक दुरुस्त करार दी जा सकती है, ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, ऑप्शन ए है। 42 नंबर क्वेश्चन, हिंदुओं के मजहबी अदब का एक हिस्सा शर्ती निहायत अहम है, बताइए शर्ती का क्या मानी है। शर्ती की मानी है इल्हामी, ऑप्शन सी। 43 नंबर, हिंदुओं के मजहबी अदब का एक हिस्सा शर्ती कहलाता है, दूसरे हिस्से का क्या नाम है, स्मृति, ऑप्शन बी इसमें करप्ट ऑप्शन है। और 44 नंबर क्वेश्चन, स्मृति का मानी क्या है, इसके मानी रट कर याद क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 45, हिंदुओं के वैदिक अदब जिसको शर्ती समझा जाता है, इसमें कितने वेद शामिल हैं, इसमें 4 वेद हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 46 नंबर क्वेश्चन, वैदिक अदब के 4 वेदों में से पहले 3 ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, चौथे का नाम क्या है। टोटल 4 है तो 4 तक 3 बताया कि चौथे का नाम ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन अथर्ववेद, ऑप्शन डी है। आगे देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 थे के 47 नंबर क्वेश्चन को, हर वेद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तो हर वेद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ऑप्शन ए है। 48 नंबर, वेदों का पहला हिस्सा समत्ता, दूसरा हिस्सा ब्रह्मन और तीसरा हिस्सा आर्णिका कहला, बताए चौथे हिस्से को क्या कहते हैं, चौथे हिस्से को ऑप्शन डी देके अब नष्ट कहलाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, वेदक अदब का कदीम तरीन वेद कौन सा है, वेदक अदब का कदीम तरीन वेदक ऋग वेद है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, वो कौन सा वेद है कि जो हिंदुस्तानी आर्यों के इब्तदाई मजहब या ब्राह्मणी मत के लिए असासी हिसियत रखता है, ऋग वेद, ऑप्शन ए। और 51 नंबर क्वेश्चन, वो कौन सा वेद है जिसके बजनों को मखसूस कुर्बानियों के मौका पर एक मखसूस परोहत उगातर पड़ता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, साम वेद। और 52 नंबर क्वेश्चन, वो कौन सा वेद है कि जिसके बजनों को कुर्बानी के मौका पर एक अलग परोहत अदोर औदारियों पड़ता है, और वो है ऑप्शन सी यजुर्वेद। और 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 53 नंबर, वो कौन सा वेद है कि जो ज्यादातर जादू टोने और जाल पोंग के मंत्रों पर मुश्तमिल है, ऑप्शन डी अथर्ववेद, ऑप्शन डी। 54 नंबर, वो कौन सा वेद है कि जिसे एक अरसा तक वेदों में शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन डी अथर्ववेद। और 55 नंबर, या जनाया यज्ञ का क्या मानी है, इसको जरा देखें, और इसके मानी है कुर्बानी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हिंदू आग के देवता को क्या कहते हैं, अग्नि देवता, ऑप्शन सी। 57 नंबर, हिंदू सूरज देवता को क्या कहते हैं, उसको सूर्या देवता, ऑप्शन ए। 58 नंबर, हिंदू हवा के देवता को क्या कहते हैं, वायु देवता, ऑप्शन डी है। 59 नंबर, हिंदू बिजली और तूफान के देवता को क्या कहते हैं, उसको अंदर देवता, ऑप्शन बी है। 60 नंबर, वेदों के किस हिस्से को वेदानत कहा जाता है, वेदानत, तो इसमें ऑप्शन टिके दी आप उपनिषद, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
और आई थिंक दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफ़ी है। 30 क्वेश्चन हो गए, 30 के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।